तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ो और मुझ पर विश्वास रखो। चाहे सामने वाला इंसान कितना ही बड़ा या कितना ही शक्तिशाली या कितना ही धनवान क्यों ना हो, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा बाबा खड़ा है, तुम्हारा साईं। इतनी बड़ी बड़ी आंधियों और दलदलों से तुम निकलकर बाहर आए हो, उसके पीछे का कारण जानते हो क्या है? केवल और केवल मात्र एक है कि तुम ये समझ जाओ कि तुम यहाँ किसी खास उद्देश्य से भेजे गए हो। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस उद्देश्य के लिए मेहनत करोगे या फिर तुम्हारी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलने दोगे। अंततः निर्णय तुम्हारा होगा, साथ में तुम्हारा हर हाल में दूंगा। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया बदले, तुम्हारी ज़िंदगी बदले, सब कुछ बदले, तो उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। यदि तुम ये चाहते हो कि बिना मेहनत किए ही, बिना कोशिश किए ही मैं तुम्हें वो सब दे दूँ, तो ठीक है, मैं मानता हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे कलेजे के टुकड़े हो तुम, मैं दे भी दूंगा। लेकिन तुम एक बात बताओ, जिसने दिन रात मेहनत किया है, जिसने दिन रात खुशियों का, अपने परिवार का, दोस्तों का, आनंद उत्सव का त्याग करके मेहनत किया है, क्या उनके साथ न्याय होगा? और फिर क्या उनका मेहनत पर, इंसानियत पर, अच्छाई पर विश्वास रह जाएगा? तुम बताओ। हो सकता है कि मेरे कुछ बच्चे मेरा नाम नहीं लेते हों, मुझे जानते तक नहीं हों, लेकिन जो मेहनत करता है ना, वो मेरी उपासना अपने आप करने लगता है। मेहनत ही, सच्चाई ही, प्यार ही मेरी उपासना है, मेरी सच्ची आराधना है। और जो वो कर रहा है, मैं उससे उसका विश्वास नहीं टूटने दे सकता, और मैं तुम्हारा विश्वास भी नहीं टूटने देना चाहता हूँ। और इसलिए चाहता हूँ कि तुम पूरी सच्ची श्रद्धा से मेहनत करो। बस ज़िंदगी में एक बार मेहनत करना होता है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तुम मेहनत की कीमत समझो और ये पूरी दुनिया तुम्हें कीमती समझेगी। खुश रहो।